ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरे चल रहा था शायद अपना, बताइए कौन सा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, बताइए। यस, एक्सरे। तो एक्सरे में क्या क्या पढ़ चुके थे हम, मुझे ऐसा याद है कि एक्सरे में हमने स्टार्टिंग करी थी और कुछ कंटिन्यूस एक्सरे के बारे में पढ़ चुके थे अपन, और मिनिमम वेवलेंथ कुछ आती है एक्सरे के, फोटोन जो प्रोड्यूस होते हैं एक मिनिमम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ के फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, कंटिन्यूस एक्सरे का ग्राफ बनाया था हमने, है ना, इतनी चीजें कुछ हुई थी अपनी शायद, सही है क्या? यस, है ना। तो थोड़ा सा शॉर्ट में एक रिकैप देखते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरेस क्या होती है? एक्सरेस बेसिकली फोटोन सी है, लाइट ही है, या अपन बोले वेव्स के टर्म्स में बोले तो ईएम वेव्स है, पर इन ईएम वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो एक्सरेस के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है, किस ऑर्डर में होती है? तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है। विजिबल लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, पर एक्सरे के फोटोन की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है। तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होने से इनकी जो एबिलिटीज है, इनकी जो क्वालिटीज है, उनमें काफी फर्क आता है। मतलब नॉर्मल विजिबल लाइट अपनी स्किन से अंदर नहीं जा पाती, हम स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते विजिबल लाइट से, पर एक्सरे से कर सकते हैं, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है ना, इस तरह से इनके कई प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है। अच्छा, ये कब एग्जिस्टेंस में आई, कब हमें पता चला इसके बारे में? तो पहले विलियम रॉड्जियर नाम के साइंटिस्ट थे, उनने पहले इसको डिस्कवर करा था, उनको इसका श्रेय मिलता है डिस्कवरी का। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के बाय प्रोडक्ट में उन्हें ये डिस्कवर हो गई थी, एक्सरे उन्हें किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर हो गई थी। अब एक्सरे हम आजकल यूज करते हैं कई जगह पर, आप जानते हैं, जैसे एक्सरे मेडिकल साइंस में तो काफी यूज होती है बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, तो वहां पे हमें एक्सरे प्रोडक्शन की काफी जरूरत पड़ती है। तो एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके लिए हमारे कोर्स में बताया गया है कुलिश ट्यूब। कुलिश ट्यूब में एक्सरे प्रोड्यूस होती है। कुलिश ट्यूब में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं किसी हाई पोटेंशियल डिफरेंस से, जिससे उनको एनर्जी हाई मिल जाती है। और ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल टारगेट पर टकराते हैं, ऐसे मेटल पे टकरवाते हैं हम, ऐसे मेटल पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं जो हैवी मेटल से। हैवी मेटल आप जानते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन हैवी मेटल्स बोलते हैं, तो उन पर इलेक्ट्रॉन्स जाकर स्ट्राइक करते हैं। जब हैवी मेटल से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो सडनली डी एक्सेलेट होते हैं, हैवी मेटल में जाके वो धीरे धीरे इनकी स्पीड लूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी दे विल कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स When they strike heavy metal target is converted into heat. But heat के अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फोटोन में भी चली जाती है। तो जो फोटोन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की डीएक्सेलरेशन से, वो एक्चुअली हाई एनर्जी के प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी ज्यादा एनर्जी थी। हेंस यहाँ जो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं वह हाई एनर्जी के फोटोन एक्सरेज हो जाती है। तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है सडन डीएक्सेलरेशन ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि मेटल पे लाइट गिरती थी जिससे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, अब क्या हो रहा है, मेटल्स पे फोटोन सॉरी इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं हाई एनर्जी के, जिससे उससे फोटोन निकल रहे हैं। तो एक तरह से उल्टा ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। चलिए, मेरे पास एक कुछ लिखा हुआ है, एक्सरे से डिसएडवांटेज भी होते हैं ना। यस, हाँ, एक्सरे बॉडी टिश्यूज को हार्म भी करती है, तो इसलिए एक्सरे में बहुत सावधानी रखी जाती है ना। हर कोई को एक्सरे करना अलाउ भी नहीं होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को स्पेशली मना करा जाता है कि एक्सरे ना लिया जाए उनका, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी थी, फिर हमें समझ रहे थे कंटिन्यूस एक्सरे क्या होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं हैवी मेटल टारगेट से, तो सडन डी एक्सेलरेशन की वजह से जो फोटोन प्रोड्यूस करते हैं इन फोटॉन्स को अपन बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे फोटॉन। क्या कहते हैं? कंटिन्यूस एक्सरे फोटॉन। इन कंटिन्यूस एक्सरे फोटॉन को अपनी एनर्जी कहाँ से मिली है? इलेक्ट्रॉन से मिली है। एनर्जी ऑफ फोटॉन जो भी प्रोड्यूस होगा वो होगी लेस देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसकी जो एनर्जी है वही फोटॉन को मिली है, इसलिए ये रिलेशन होना चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटॉन को अपन एक्स बाय लैम्डा लिखते हैं, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं ई वी। अगर वी पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करा जा रहा है तो अपन ई वी लिख सकते थे। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि जो लैम्डा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इस लैम्डा को ऊपर ले जाऊँ उस ई वी को नीचे लगाऊँ, एच सी अपॉन ई वी। तो जो एक्सरे की ट्यूब में फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे
उनकी वेवलेंथ इस नंबर से बराबर या ज्यादा होगी, इस नंबर की मिनिमम वेवलेंथ मिल सकती है आपको, इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं मिल सकती। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ट्यूब में दे दिया है और पूछ लिया कि मिनिमम वेवलेंथ क्या आ सकती है फोटोन की, तो यहाँ से निकाल लेना। अगर वेवलेंथ निकल जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो आप, तो है ना, सी बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, तो वो भी कर लेना, ठीक है। अब इस तरह से जो एक्सरे के फोटोन प्रोड्यूस हुए उनकी इंटेंसिटी वर्सेस जब वेवलेंथ को हम प्लॉट करेंगे, तो पहली चीज तो ग्राफ स्टार्ट होगा एक लैम्डा मिनिमम के बाद से। यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है एस सी बाई ईवी, ये मिनिमम वेवलेंथ है, इससे ज्यादा ही वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी, तो ग्राफ एक लैम्डा मिनिमम के आगे आगे बनेगा। दूसरी चीज, ये जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है, एकदम लैम्डा मिनिमम के फोटॉन्स का नंबर भी बहुत कम होता है, इसलिए उनकी इंटेंसिटी भी कम आएगी। ये ग्राफ किसका बनाया, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोलते हैं आई लैम्डा को। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की क्या इंटेंसिटी है ना, वेवलेंथ वाइज इंटेंसिटी को स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का हमने ग्राफ बनाया, तो कुछ इस तरह से आता है। ये ग्राफ बता रहा है कि बहुत कम वेवलेंथ के फोटोन भी बहुत कम नंबर में आएंगे, ऐसा बहुत रेयर होता है कि इलेक्ट्रॉन टकराकर अपनी पूरी एनर्जी फोटोन को दे दे, रेयर होता है, इसलिए ऐसे फोटोन का नंबर कम है। थोड़ी कम एनर्जी फोटोन को मिले, ऐसे फोटोन का नंबर ज्यादा है ना, तो इसलिए बाद में इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी अपन ने यहाँ पे। तो इस तरह का कुछ कर्व आता है हमारे पास, क्या ये कर्व क्लियर है, ये तो पढ़ चुके थे अपन लास्ट क्लास में, कोई भी डाउट यहाँ तक? नो, तो नारायण को तो कोई डाउट नहीं है, बाकी बच्चों को? दिव्यांशी को भी कोई नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पवन, दिव्यांश, सुरेश, वेरी गुड। चल आगे बढ़ते फिर। अब जो एक्सरे के फोटोन प्रोड्यूस हो रहे थे उनका हमने एक ग्राफ बनाया था इंटेंसिटी का। इसमें एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बताई नहीं थी, मैंने आपको इस ग्राफ में क्या होता है, हमें कुछ वेवलेंथ पे अचानक इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कुछ वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। जैसे ये कोई एक वेवलेंथ की वैल्यू है, ये कोई एक वेवलेंथ की वैल्यू है, ये कोई एक वेवलेंथ की वैल्यू है, जिसपे इंटेंसिटी अचानक से ज्यादा आ गई। मतलब ग्राफ अच्छा स्मूथ चल रहा था पर इन वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ज्यादा है ना, एक पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ आ रही है जिन पर इंटेंसिटी अचानक से ज्यादा जाती, तो ये कुछ अलग ही चीज हो रही है। स्मूथ ग्राफ चल रहा था और उसमें बीच में अचानक से इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो ये जो फिनोमेना है जिसको मैंने पहले आपको बताया नहीं था, ये कुछ अलग टाइप का फिनोमेना हो रहा है। मतलब कि स्मूथ ग्राफ चल रहा था और उसमें बीच में किसी किसी वेवलेंथ पे अचानक इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है, इसलिए ये क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप की चीज हो रही थी इसलिए इसको पहले बताया नहीं था आपको। आपको पहले क्यों नहीं बताया था, क्योंकि इसका रीजन ही कुछ अलग हो रहा है ये होने का, इसलिए बताया नहीं था, ठीक है। तो जो पहले आपको ग्राफ बना के बताया था ना, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे का ग्राफ, कंटिन्यूस एक्सरे का ग्राफ, बिकॉज दैट ग्राफ इज कंटिन्यूस, ठीक है। उसका रीजन होता था इलेक्ट्रॉन टकरा कर डी एक्सेलेट हो रहे, लेकिन बीच बीच में कुछ वेवलेंथ पर अचानक से हमें इंटेंसिटी बढ़ी हुई भी दिखती है, तो ये अचानक इंटेंसिटी बढ़ना कुछ अलग रीजन से हो रहा होगा डेफिनेटली, इसलिए इसको पहले अपने देखा ही नहीं था। अब किन वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ये वेवलेंथ डिपेंड करती थी कि कूलिश ट्यूब में मेटल क्या लगाई थी। याद करिए, हमने कूलिश ट्यूब में एक टारगेट मेटल लगाई थी जिसपे इलेक्ट्रॉन टकरा कर एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे थे। इसे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ कूलिश ट्यूब का, यहाँ पे हमारी प्लेट, ये एक्सलेटिंग पोटेंशियल लगाया था, बहुत हाई पोटेंशियल होता है जो, ये हमारा वो टारगेट, टारगेट के पीछे कॉपर की प्लेट भी लगाते हैं, आपको बताया था मैंने, हीट जनरेट होती है बहुत ज्यादा, तो हीट को बाहर ले जाने के लिए कॉपर की प्लेट लगती है, तो इलेक्ट्रॉन जाके उसे टकरा रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ से फोटोन बनने लगते हैं, एक्सरे बनने लगती है। तो जो हैवी मेटल का टारगेट है ना, दिस टारगेट, इस पर डिपेंड करती है कि किन वेवलेंथ पे अचानक से इंटेंसिटी बढ़ती है। ये जो वेवलेंथ आ रही है जिन पे इंटेंसिटी ज्यादा है अचानक से, इसको मैं वेवलेंथ को नाम दे देता हूँ, चलो कुछ लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। तो दीज वेवलेंथ जिन पर इंटेंसिटी एब्रप्टली ज्यादा है, फिर बाद में वापस नॉर्मल हो गए, दूसरी वेवलेंथ पे फिर नॉर्मल है। तो ये जो वेवलेंथ आती है जिन पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, दिस डिपेंड्स ऑन द टारगेट मेटल। टारगेट मेटल बदल दू अगर, तो ये वेवलेंथ बदल जाती है। ये जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, ये तो देखो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ये देखो वी पे डिपेंडेंट है, मिनिमम वेवलेंथ क्या आ रही है, वी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ जो आपने पोटेंशियल लगाया है एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, उस पर डिपेंडेंट है मिनिमम क्या आएगी। तो ये ग्राफ तो हमेशा एक जैसा बनता है, मेटल बदल दो तो भी ज्यादा इससे फर्क नहीं आता,
इस ग्राफ में, लेकिन किन वेवलेंथ पे अब्रप्ट इंटेंसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है वो मेटल बदलने से बदल जाती है। आया क्या पॉइंट समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री डिपेंड्स ऑन टारगेट। ये चीज समझ में आई क्या, क्या बताया अभी मैंने यहां? अब क्यों होता है, अभी तो बस बताया कि ऐसा हो रहा है, अब क्यों होता है इस चीज पे आते हैं। क्या हो रहा है पहले तो ये समझा अपन ने, हमने समझा कि जो हमारा स्मूथ ग्राफ था उस ग्राफ में अचानक कुछ कुछ वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ज्यादा जाती है, उन वेवलेंथ को निग्लेक्ट करके देखे तो ग्राफ बिल्कुल स्मूथ रहता है, पर कुछ वेवलेंथ पे इंटेंसिटी एब्रप्टली हाई हो जाती है। और ये जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है टारगेट पे, टारगेट बदलो तो वेवलेंथ अलग आती है। अब ये क्यों होता था इसका, इसके बारे में सोचा गया कि क्यों हो रहा होगा ऐसा। तो हमारे पास ये जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आ रहे जब वे हैवी मेटल टारगेट से टकराएंगे तो हैवी मेटल टारगेट के अंदर जो उनके एटम्स है, ये देखो हैवी मेटल टारगेट का कोई एटम दिखाया, ये एटम की के शेल उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ये एल उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे शायद एल में ना, के में 2 होते एल में 8 होते, सही है क्या? के एल फिर एम भी होता है, एम में भी कुछ और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बना लेना अप्रोप्रिएटली, मैंने अभी ऐसे रेंडमली दिखा दिया, ज्यादा एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ज्यादा दिखाना। अब कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्सेलरेट होके, बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है, तो यह हाई एनर्जी का जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास से तो इसके इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है। जो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो स्ट्राइक करने, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आया जो स्ट्राइक करने वाला है टारगेट पे, तो टारगेट मेटल के एटम के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन से भी तो टकरा सकता है, के शेल के इलेक्ट्रॉन से, एल शेल के इलेक्ट्रॉन से, सबसे टकरा सकता है ना, बताइए। यस नारायण को तो क्लियर है, वेरी गुड। चलो तो ये स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड कर सकता है, होगी कुछ प्रोबेबिलिटी इसकी टकराने की, है ना। अब ये अगर टकरा गया किसी इलेक्ट्रॉन से तो इसके पास तो खूब ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है, क्योंकि इसको अपने बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, तो ये बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उनको उनकी जगह से नॉकआउट भी कर सकता है। नॉकआउट मतलब कि उसको भी एनर्जी दे दो, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको भी एनर्जी मिल जाए और ये दोनों फिर यहां से बाहर चले जाए, इसके पास तो खूब सारी एनर्जी, थोड़ी सी इसको दे देगा तो भी इसके पास बचेगी, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर इस एटम के जो बॉन्डिंग फोर्सेस है उनसे बाहर आ सकता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन जैसा हो गया, हो सकता है ना। ये स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन आए, इसकी वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको एनर्जी मिल गई, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया, ये हो गया नॉकडाउन। अपनी लोकेशन से उसे बाहर निकाल दिया, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन से टकरा कर उसकी जगह से उसे बाहर फेंक दिया, हो सकता है बिकॉज इट हैज वेरी हाई एनर्जी। इसकी वजह से यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रही है, देखो खाली जगह क्रिएट हो रही है, स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो ऊपर की शेल में इलेक्ट्रॉन है वो नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर की शेल का इलेक्ट्रॉन, के में वैकेंसी क्रिएट हुई तो एल तो उसके सबसे पास में, एल वाला इलेक्ट्रॉन वहां से नीचे आ जाएगा, एल का इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा देयर विल बी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, एल का इलेक्ट्रॉन जब इस के की वैकेंसी को फिल करने नीचे आएगा तो एल से नीचे आने में एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन बनेगा, याद करिए अपन ने उसमें पढ़ा भी है बोहर मॉडल में, जब दो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी के फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे फोटोन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बात समझ में क्या? सर वो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला होगा बाहर, बिल्कुल सही कहा आपने, वो इलेक्ट्रॉन भी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला होगा, बिल्कुल सही कहा। तो सर फिर उसकी भी एनर्जी, फिर ये फोटोन की भी एनर्जी। हाँ बोलो आगे। तो सर ये सब ऐड होंगी ना ऐसा? नहीं, फोटोन का एनर्जी तो केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से आएगी, हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो इस ट्रांजिशन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फोटोन प्रोड्यूस होगा, तो फोटोन को एनर्जी तो इस ट्रांजिशन से मिल रही है, ठीक है, और स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई जो नॉकआउट हो गया, तो ये दोनों यहाँ बाहर निकल गए, इसके पास खूब सारी एनर्जी थी तो इसने थोड़ी एनर्जी इसको दे दी तो ये अपने शेल से नॉकआउट हो गया,
अच्छा सर, जो ये फिर फोटोन निकला है, ये जो रेड कलर से आपने बनाया है, ये वही एक्सरे वाला फोटोन है? यस दिस इज एक्सरे फोटोन, अच्छा ये एक्सरे फोटोन है, बिल्कुल सही। चलो तो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन आया, उसने एटम के अंदर के किसी शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, जिससे हायर ऑर्बिट के हायर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लोअर शेल में आने की जगह मिल गई, तो नीचे आए। इस नीचे आने के प्रोसेस में फोटोन प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो फोटोन प्रोड्यूस होगा, इसकी एनर्जी डेफिनेटली डिपेंड करेगी ना, यहाँ एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस क्या था भाई, एल का इलेक्ट्रॉन के में आया है, एल एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में आया है, तो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का जो फोटोन बनेगा है ना, तो ये जो फोटोन प्रोड्यूस होगा इस तरीके से जो फोटोन प्रोड्यूस होगा उसकी वेवलेंथ डेफिनेटली डिपेंड करना चाहिए इस मेटल पे, कौन से मेटल का एटम था उस पर डिपेंड करना चाहिए, कौन सा मेटल लिया था हमने उस पर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि मेटल मेटल पे वेरी कर जाता है उसके एनर्जी लेवल्स के एनर्जी। आपने हाइड्रोजन मॉडल में भी तो समझा है, हाइड्रोजन की जो एनर्जी लेवल्स आते हैं वो सेम नहीं होते हीलियम के, लिथियम के, सबके अलग अलग होते हैं। तो मेटल पे डिपेंड करेगा, एटम पे डिपेंड करेगा कि उसके एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या आएगा। हेंस इस फोटोन की वेवलेंथ डेफिनेटली डिपेंड करेगी कि वो किस एटम से निकल रहा है। हेंस ये जो अचानक से कुछ वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बढ़ती थी, ये जो वेवलेंथ थी वो टारगेट पर डिपेंड करना चाहिए। और इंटेंसिटी क्यों बढ़ती है, ये इस तरीके से जब भी फोटोन निकलेगा, जब भी एल का इलेक्ट्रॉन के में आएगा, तो जो फोटोन निकलेगा वो हमेशा सेम वेवलेंथ पर निकलेगा। जो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी है यही एनर्जी लेके वो जाएगा। दैट्स व्हाई इसकी एनर्जी जो होगी फोटोन की वो कांस्टेंट आएगी हमेशा। एवरी टाइम अ ट्रांजिशन फ्रॉम एल टू के टेक प्लेस, सेम एनर्जी फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ विल प्रोड्यूस। दैट्स व्हाई एट दिस वेवलेंथ देयर विल बी सडन इंक्रीमेंट इन इंटेंसिटी। बार बार एक ही एनर्जी का फोटोन आ रहा है, बार बार एक ही वेवलेंथ का फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे फोटोन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इंटेंसिटी बढ़ जाती थी। आया क्या समझ में, क्यों यहां पर अचानक से कुछ वेवलेंथ पर इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है? यस, सो वी एक्सप्लेन दिस वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ पर अचानक इंटेंसिटी बढ़ती थी ये हमने कैसे एक्सप्लेन करी, इन ट्रांजिशन से एक्सप्लेन करी है ना, ड्यू टू नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन इन टारगेट मेटल एटम, ड्यू टू नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन इन टारगेट मेटल एटम वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड इन लोअर शेल विच इज व्हेन filled with higher level electrons or higher shell electron, photon is produced. ठीक है, वैसे तो मैंने लिखने की जरूरत थी नहीं, सब यही समझा है यहाँ पे, और ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा आपको शायद, तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने लिखा क्या है। ड्यू टू नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉक्ड आउट हो गया ना, तो उस नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन की वजह से, नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल अब आ सकता है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो फोटोन प्रोड्यूस होगा। ये जो फोटोन प्रोड्यूस होंगे इस ट्रांजिशन की वजह से, जो फोटोन प्रोड्यूस होंगे वो हमेशा सेम वेवलेंथ के प्रोड्यूस होंगे, सेम एनर्जी के प्रोड्यूस होंगे, इसलिए इन सर्टन वेवलेंथ पे हमें इंटेंसिटी ज्यादा दिखने लगेगी, क्योंकि ये एक एक जैसे आने वाले हमेशा। दूसरी चीज, यहाँ ज्यादा क्यों दिखाया था मैंने वेवलेंस, तीन चार टाइप की वेवलेंस क्यों दिखाई थी, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि के का ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो। हमारे पास इस मेटल के अंदर के एल एम बहुत सारी शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, के एल एम एन, के में अगर खाली जगह क्रिएट होती है तो उसको फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आता है वो एल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है, के की खाली जगह फिल करने के लिए ऐसे तीनों जगह से आ सकता है। समझ में आई बात, के की वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन तीनों जगह से आ सकता है। के की एनर्जी थोड़ी ज्यादा, एल की और के का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसा दिखाता हूं मैं, ठीक है। फिर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी वो एल में भी तो आ सकती है, ऐसा हमेशा के में थोड़ी आएगी, एल का इलेक्ट्रॉन भी तो नॉकआउट हो सकता है, एल का नॉकआउट हो गया तो ऊपर से भी यहां से एम से इलेक्ट्रॉन एल में आ सकता है, एन से एल में आ सकता है,
में खाली जगह आएगी तो यहाँ का यहाँ का यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एल में आएगी तो एम का आ सकता है, एन का आ सकता है, जैसे एम में भी तो स्पेस आ सकता है, तो एम से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। सही है। हाँ सर, सर ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन प्लस फोटॉन एनर्जी। क्यों कहूं मैं ऐसा, बिल्कुल नहीं, अपन ये बाद में बात करते हैं, अभी पहले उस चीज को ध्यान, अभी पहले इस जो अपन यहां समझ रहे हैं इस पे फोकस करो। ठीक है, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी इसको दी, तो आप ऐसा बोल सकते हो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो शुरू में थी माइनस जो बाद में उसमें बची, मतलब जो डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल नॉट बी ओनली प्योर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज सम एनर्जी इज नीडेड टू गेटिंग इट नॉक्ड आउट फ्रॉम द इनर्शियल, उसको अपनी इनर्शियल से नॉकआउट होने के लिए भी एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा, मत घुसो अभी, रुको यहाँ पे, पहले समझ लो पहले चीजें। ठीक है, हमने क्या बात करी यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो के में भी हो सकती है, एल में भी हो सकती है, एम में भी हो सकती है ना, और ऊपर भी हो सकती है, पर ज्यादा ऊपर की बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि आप तो जानते ही कि जो हैवी मेटल्स होते हैं उसमें वन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल में, सेकंड में होते हैं और थर्ड में ही होते हैं, ज्यादा फोर्थ में तो दो ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, 4s1 या 4s2, ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उनका, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी के और एल शेल्स की है उनमें, तो एम शेल की 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी थोड़ी बहुत रहेगी। ठीक है, चलो, पर क्या होगा कि ऊपर के इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएंगे ना तो फोटोन बहुत कम एनर्जी का बनेगा, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे अपन, अभी नीचे की बात कर रहे हैं। के में जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो इलेक्ट्रॉन है ना एल एम एन तीनों से नीचे आ सकता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी एल से के आने की होगी ना, क्योंकि एल वाला इसके क्लोज था, तो एल से के आने की प्रोबेबिलिटी विल बी मोर, एम आई राइट? के की वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एल से आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जस्ट एक ऊपर से आएगा, एक और ऊपर से आने से पहले ये वाला इसको फिल कर देगा ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या बात ये? हाँ नारायण, चलो दिव्यांश को तो क्लियर है, नारायण आपको, नारायण को भी क्लियर है। ठीक है, अगर के की वैकेंसी होती है तो एल का इलेक्ट्रॉन वहां वैकेंसी को फिल कर दे, इट इज मोर प्रोबेबल देन एम का इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना? तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, मैं के अंदर जो फोटोन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इन जो फोटोन का नाम है इनको ना कुछ नाम दे देते हैं, एल से इलेक्ट्रॉन अगर के में आता है तो यहाँ जो फोटोन बनता है उसको बोलते हैं के अल्फा, एम से के में आ रहा है तो उसे बोलते हैं के बीटा, एन से के में आ रहा है तो उसे बोलते हैं के गामा। मैंने यहाँ पे के लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर के एनर्जी लेवल से के में आ रहा है, किसी ऊपर के एनर्जी लेवल से के में आना मतलब के फोटोन बनना। अब के में अल्फा बीटा गामा का नंबर क्या है, अल्फा मतलब कि जस्ट एक ऊपर से आना, बीटा मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल से नीचे आना, गामा मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल से नीचे आना। ठीक है, अल्फा मतलब जस्ट एक ऊपर के एनर्जी लेवल से आना, बीटा मतलब सेकेंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल से आना, मतलब के से सेकेंड नंबर वाला एनर्जी लेवल, और गामा मतलब कि के से थर्ड एनर्जी लेवल से के में आना। ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया, हमने ट्रांजिशन में जो फोटोन बनेंगे ना उनको नाम दे दिया, जो इन ट्रांजिशन में फोटोन बनेंगे उनको नाम दे दिया, के अल्फा के बीटा के गामा ऐसा नाम दे दिया। नाम कैसे दिया है फिर से बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से अगर के में आता है, इस तरह से जो फोटोन बनेगा उसे के सीरीज का फोटोन बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल से के में आना मतलब के सीरीज का फोटोन, आ रहा है समझ में? हायर एनर्जी लेवल से के में आना मतलब के सीरीज का फोटोन, फोर्थ एनर्जी लेवल से के में आना मतलब के सीरीज का फोटोन, थर्ड एनर्जी लेवल से के में आना के सीरीज का फोटोन, सेकंड एनर्जी लेवल से के में आना के सीरीज का फोटोन, सेकंड से के में आएगा तो उसे बोला जाता है के अल्फा, थ्री से के में आएगा तो उसे बोला जाता है के बीटा, फोर से के में आना के गामा। ऑर्डर वाइज ही है, जो पहले प्रोबेबल ज्यादा है उसको अल्फा बोला, जो उससे कम प्रोबेबल है उसे बीटा, और जो उससे भी कम प्रोबेबल है उसे गामा बोला। तो ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया क्या? बोलो, के अल्फा के बीटा गामा, ओके। ठीक है, अब के अल्फा के बीटा के गामा में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी के अल्फा की, के अल्फा की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि के में वैकेंसी है तो उसे एल का इलेक्ट्रॉन फिल कर दे, इट इज मोर प्रोबेबल, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के अल्फा की होगी।
नंबर ऑफ फोटोन की बात करूं तो के अल्फा के फोटोन ज्यादा नंबर में होंगे कंपेयर टू के बीटा के फोटोन कंपेयर टू के गामा के फोटोन. नंबर ऑफ फोटोन ऑफ के अल्फा विल बी मोर देन द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ के बीटा देन द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ के गामा. ठीक है, इसलिए इन तीनों में के अल्फा आइडेंटिफाई करना आसान होता है क्योंकि उसके फोटोन का नंबर ज्यादा होता है, तो हम के अल्फा की वेवलेंथ भी ढूंढ सकते हैं. ठीक है, चलो तो ये अपन ने बात करी कि के अल्फा के बीटा के अंदर किसके नंबर ज्यादा होंगे. नाउ एल में भी ऐसे नाम दे देते हैं अपन, एल सीरीज में एल वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बोलेंगे एल का फोटोन बना, एक ऊपर से आए तो एल अल्फा, दो ऊपर से आए तो एल बीटा, है ना. अगर एम से एल में आ रहा है तो एल अल्फा, एन से एल में आ रहा है तो एल बीटा. ऐसे ही एम सीरीज का भी फोटोन हो सकता है, ये इसको एम अल्फा बोल देंगे, एम बीटा भी बना सकते हो ऊपर से नीचे. तो ऐसा नॉमिनेचर दे दिया अपन ने. चलो कोई पूछे कि के अल्फा की एनर्जी क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ के अल्फा, एनर्जी ऑफ फोटोन कौन से वाला के अल्फा, उसकी एनर्जी होना चाहिए एनर्जी ऑफ एल शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल. सही है, एल और के का एनर्जी डिफरेंस की एनर्जी है ना के अल्फा की. इसी तरह से एनर्जी ऑफ फोटोन बोलू मैं के बीटा की, बोलोगे एनर्जी ऑफ एम शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल, है ना. हाँ सही लिखा मैंने, देख लो अच्छे से. इसी तरह से कोई बोले एनर्जी ऑफ एल अल्फा क्या आएगी, एल अल्फा के फोटोन की एनर्जी क्या आएगी, तो क्या बताओगे, एनर्जी ऑफ एम शेल माइनस एनर्जी ऑफ एल शेल. एम और एल में यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है एम और एल में, उससे एल अल्फा निकल रहा है, तो ये एनर्जी गैप होगी एल अल्फा के फोटोन की एनर्जी. फटाफट बताओ, ये आया नहीं आया. इज दिस क्लियर? यस, नारायण को तो क्लियर है, बाकी बच्चे वेरी गुड, है ना. तो ये मैंने क्यों पूछा आपसे आया कि नहीं आया, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बनती है, ध्यान से देखना जरा. एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन था ना इस तरफ, एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकता हूँ एससी बाई लैम्डा, एससी बाई लैम्डा. तो यहाँ देखो ऊपर वाला जो एनर्जी जाएगी वो उसे लिखूंगा एससी अपॉन लैम्डा ऑफ के अल्फा, ये हो जाएगा एससी अपॉन लैम्डा ऑफ के बीटा, ये हो जाएगा एससी अपॉन लैम्डा ऑफ एल अल्फा. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली सी दैट एम और के का डिफरेंस है यहाँ पर. मैं अगर फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूं, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करूं, देखो EL EL कैंसिल हो जाएगा, M और K का तो एनर्जी डिफरेंस बचेगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो तो, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, इस इक्वेशन को फर्स्ट को और इसको थर्ड को ऐड कर दो. तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये प्लस ये L और L कैंसिल हो जाएंगे, EM माइनस EK बचेगा, देखो जो यहां लिखा हुआ है वो होना चाहिए था SC अपॉन लैम्डा ऑफ K बीटा. Hence, 1+3 is giving me two equation. Equation number 2. तो मुझे देखो क्या समझ में आ गया यहाँ से. 1 upon lambda of k alpha plus 1 upon lambda of l alpha should equal to 1 upon lambda of k beta. All right? ऐसे relation बनना है ना, देखो first और third equation को add करेंगे. Yes sir. वेरी गुड, है ना. अब एनर्जी की बात करें, देखो तो ये के अल्फा में एनर्जी कम होगी, उससे बड़ी यहाँ होगी, उससे बड़ी यहाँ होगी, एनर्जी के गामा की ज्यादा होगी. एक पॉइंट तो ये आपको याद रखना है. अगला पॉइंट, अगर हम अलग अलग फोटॉन्स की एनर्जी को कंपेयर करें तो एनर्जी ऑफ के गामा विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ के बीटा, इट विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा. के अल्फा में, के सीरीज में के अल्फा की एनर्जी सबसे कम, तो एनर्जी सबसे कम तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा. वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा ऑफ के गामा सबसे छोटा आएगा, लैम्डा ऑफ के बीटा उससे थोड़ा बड़ा आएगा, और लैम्डा ऑफ के अल्फा उससे भी बड़ा आएगा. एल और के की एनर्जी को कंपेयर करें, के अल्फा की एनर्जी और एल अल्फा की एनर्जी में किसकी ज्यादा होगी बताओ. एनर्जी ऑफ के अल्फा
और एनर्जी ऑफ एल अल्फा, ये अगर कंपेयर करें तो किसकी ज्यादा होगी? के की ज्यादा होने चाहिए, के वाले की ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है सेकेंड और थर्ड से। ये अपने हाइड्रोजन मॉडल में भी देखा था, फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं ना, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, एनर्जी लेवल्स क्लोज होते जाते हैं। जितना न्यूक्लियस के पास, एनर्जी लेवल्स में गैप ज्यादा, इसलिए के अल्फा की एनर्जी ज्यादा होगी एल अल्फा से। एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम होगी, सिंपल सी बात है। वेवलेंथ ऑफ के अल्फा शुड बी लेस देन वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा। तो ऐसा हमें कंपेरिजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि ये जो तीन वेवलेंथ थी, लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, ये तीनों के सीरीज की वेवलेंथ थी। मैंने आपको बता दिया कि के सीरीज की वेवलेंथ है, एक के अल्फा, एक के बीटा, एक के गामा। तो कौन सी के अल्फा, कौन सी के बीटा, कौन सी के गामा है, आप बता सकते हो? मैंने बोल दिया कि तीनों के सीरीज की वेवलेंथ है, तो बताओ कौन सी के अल्फा है, कौन सी के बीटा है, कौन सी के गामा है। लेमडा वन के गामा। बहुत बढ़िया, लेमडा वन के गामा होनी चाहिए ना, लेमडा वन के गामा, उससे बड़ी वेवलेंथ के बीटा, और सबसे बड़ी इन तीनों में के अल्फा हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही मैं अगर एक वेवलेंथ या और बना दूं, तो ये अगर के अल्फा थी तो अगली वाली वो ये एल अल्फा होनी चाहिए। मैं बोलूं कि एक के और एक एल है, मैंने बोल दिया कि दो वेवलेंथ दिखाई, इनमें से एक के और एक एल है, तो कौन सी के कौन सी एल बताओ, तो एल वाली वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होगी, दिखा लिखा आपने बस, तो इसलिए वो आगे होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये क्या सारी चीजें क्लियर हो रही है अपन को? ओके, वेरी गुड। तो हमने देखा कुछ फोटॉन्स ऐसे भी प्रोड्यूस हो रहे थे एक्सरे ट्यूब में, जो एक्सरे की ट्यूब थी ना, कुलिस ट्यूब, इसके अंदर कुछ फोटोन ऐसे भी प्रोड्यूस हो रहे थे जो टारगेट मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से हो रहे थे। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ये जो फोटोन प्रोड्यूस होंगे टारगेट मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, इनकी एनर्जी वो होगी जो एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस की होगी। एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आएगी। एंड दिस फोटॉन्स आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दिस फोटॉन्स आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द टारगेट मेटल। टारगेट मेटल को हम पता कर सकते हैं कि कौन सी है, अगर मुझे इन फोटॉन्स की वेवलेंथ पता चल जाए या फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, एनर्जी पता चल जाए, क्योंकि हर मेटल के अंदर जो एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज का डिफरेंस होता है वो अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर जेड एंड क्या है एटॉमिक नंबर उनके हिसाब से। सो हम अगर ये देख ले कि कौन कौन सी वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई है, तो हम पता सकते कि कौन सा मेटल था। एंड इन वेवलेंथ को कंबाइंडली बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ये जो अपन ने सारी चीजें पढ़ी, दिस इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो एक्सरे के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, कंटिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे का ओरिजिन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के टकराने से वो डी एक्सलेट होते हैं, एंड ड्यू टू डी एक्सलरेशन वो फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ओरिजिन क्या होता है कि जो एटम होते हैं टारगेट मेटल के, उसमें वैकेंसी क्रिएट होती है, और उस वैकेंसी की वजह से अंदर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन आर प्रोड्यूस। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन, जो भी अपने ट्रांजिशन वाले ये सब कहानी पड़ी, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ टारगेट मेटल एटम। क्या ये सारी चीजें क्लियर? अपन yes, बात करी, दिस इज रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। चलो अब अपन मोजले लॉ स्टार्ट करते हैं, है ना? ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो मोजले ने क्या पता करा था वो देखते हैं। अभी अभी हमने देखा कि जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है ये सब है ना कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इसका मतलब यह है कि इन वेवलेंथ को पता करके या इनकी फ्रीक्वेंसी पता करके, इन फोटोन की फ्रीक्वेंसी ढूंढ के हम बता सकते हैं कि मेटल कौन सी थी ना, और मेटल का जो एटॉमिक नंबर होता है। हाँ नारायण, हैंड रेज कराए, बोलो सर। वो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कैसे प्रेडिक्ट कराएंगे और बता दो। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में मैंने आपको कह दिया था कि तीनों के के है। मैंने बोल दिया था कि तीनों के के है। अब आपको बताना है कौन के अल्फा, कौन के बीटा, कौन के गामा है। तो के में देखो जो वेवलेंस का ऑर्डर होता है, सबसे छोटी के गामा की होती है, उससे बड़ी के बीटा की, उससे बड़ी के अल्फा। तो यहाँ कौन सबसे बड़ी दिख रही है? लेमडा 3। इस एक्सिस में जितना उधर जाएंगे तो वेवलेंस बढ़ेगी, तो लेमडा 3 इज ग्रेटेस्ट एंड दैट शुड बी ऑफ के अल्फा। ऐसे अपन ने प्रेडिक्ट करा था।
अब देखो हमारे पास जो के अल्फा का फोटोन होता है ना, वो डिस्टिंक्टली पता चल जाता है, के अल्फा का फोटोन हमें आराम से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा आती है, इंटेंसिटी ज्यादा आती है, उसके फोटॉन का नंबर भी ज्यादा आता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी ज्यादा है, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा आती है, के अल्फा डिस्टिंक्टली हमें दिख जाता है। तो के अल्फा की फ्रीक्वेंसी निकालना भी आसान है। अब क्या करा, मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, उन्होंने अलग अलग टारगेट मेटल एटम लिए, उन्होंने ये एक्सरे वाला एक्सपेरिमेंट कई बार करा, ये टारगेट को बदल बदल के एक्सपेरिमेंट करा, बहुत सारे मेटल के लिए एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट करके सबकी के सीरीज की अल्फा की वेवलेंथ उन्होंने निकाल के रख ली या फ्रिक्वेंसी निकाल के ले ली, तो के सीरीज के फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी उन्होंने ढूंढ ली। अब इनको उन्होंने कोशिश करी समझने की क्या आ रही है, इनका रिलेशन कैसा है समझने की कोशिश करी, तो वो किसी एक पॉइंट पे पहुंचे जिसे बोलते हैं मोजलेज लॉ। वो मोजलेज लॉ क्या होता है उसको थोड़ा अपन अलग तरीके से बताऊंगा, वो तो एक्सपेरिमेंट करके लाए थे मोजले, अपन कुछ अलग तरीके से देखेंगे। तो ये सब नोट हो गया तो हटा दो, ये हटा दो ये। हाँ सर, थैंक यू। तो देखो अगर हम के अल्फा के फोटोन की बात करें तो एनर्जी ऑफ के अल्फा ये लिखी है अपन ने, एच सी अपॉन लेमडा ऑफ के अल्फा, मैं इसको एच न्यू ऑफ के अल्फा भी बोल सकता हूँ। अब एनर्जी का डिफरेंस क्या लिखो, हाइड्रोजन एटम होता तो क्या लिखते डिफरेंस, हाइड्रोजन एटम में एनर्जी डिफरेंस होता है आर सी एच इंटू वन अपॉन एल, के लिए अपन एल और के का लिख रहे ना, तो वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर आ जाएगा, बाहर एक माइनस साइन होता उसको मैंने अंदर ले लिया है, इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन में लिखना होता एल और के का एनर्जी डिफरेंस, तो ये लिखते ना अपन हाइड्रोजन में एल और के का, मतलब सर तो जेड वन नहीं होगा क्या इसमें, हाइड्रोजन के लिए लिखना होता, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए लिखना होता, तो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए तो जेड कुछ हो सकता है ना हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट का। यस सर। अब अपना ये जो एटम है क्या ये हाइड्रोजन लाइक है, ये बताओ, दूसरी चीज अगर मैं के शेल को देखूं तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया पर एक तो बचा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन इस के शेल में घूमेगा इसकी वजह से एल शेल को न्यूक्लियस का क्या पूरा चार्ज फील होगा, एल शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पूरा चार्ज फील हो जाएगा क्या? हाँ सर। कैसे होगा, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, शेडिंग इफेक्ट तो कम हो जाएगा ना, फिर से बोलो, शेडिंग इफेक्ट तो कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हटने से, नहीं तो एक तो है ना अभी भी, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन तो है ना, दोनों दोनों थोड़ी हट गए, एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन रहते ना, तो कुछ तो शील्डिंग इफेक्ट होगा ना, सही बोल रहे हो आप बिल्कुल, कुछ तो शील्डिंग इफेक्ट होगा ना, हाँ कुछ शील्डिंग इफेक्ट होगा, इसका मतलब जो पूरा न्यूक्लियस का चार्ज है, पूरा न्यूक्लियस का चार्ज वो एल शेल का इलेक्ट्रॉन फील नहीं कर पाएगा, पूरा न्यूक्लियस का चार्ज फील नहीं कर पाएगा, तो ये जेड पूरा फील नहीं होगा, जेड हमें पूरा फील नहीं होगा, जेड में कुछ हमें कमी दिखेगी, तो Z में जो कमी दिखेगी उसको अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं यहाँ पे Z इफेक्टिव लिख के, मैंने वहां पे लिखा है Z इफेक्टिव, वेयर Z इफेक्टिव इज द एक्चुअल न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर था Z माइनस सम कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट जैसा भी है कुछ, क्यों लिखा हुआ मैं Z इफेक्टिव, क्योंकि न्यूक्लियस का पूरा चार्ज फील नहीं हो पाएगा, जो एल का इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस के अबाउट ये एक इलेक्ट्रॉन घूमते भी दिख रहा है के शेल का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से न्यूक्लियस का पूरा चार्ज वो फील नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई मैंने जेड इफेक्टिव लिख दिया। क्या है, समझ में आ रहा है? चलो, और ये बी जो कांस्टेंट है इट आल्सो इनकॉर्पोरेटिंग ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, एक शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से भी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता था, तो सबको मिला जुला के क्या इफेक्टिव जेड है वो लिखा है मैंने, इफेक्टिव जेड को मैंने जेड माइनस बी कुछ लिख दिया, बी कोई कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जैसा कुछ है, शील्डिंग कांस्टेंट है, तो वो अगर लिख दूं यहां तो मेरे पास ये इक्वेशन बनने वाली है एच न्यू ऑफ के अल्फा
इक्वल टू आर सी एच, एक एच एच काट दो ना इधर, दोनों तरफ लिखने की जरूरत क्या है, आर सी, ये नंबर क्या हो जाएगा, वन बाय वन का स्क्वायर मतलब वन, वन बाय टू का स्क्वायर मतलब वन बाय फोर, तो थ्री बाय फोर आ जाएगा, वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर सॉल्व करके थ्री बाय फोर आ गया, और जेड इफेक्टिव मतलब जेड माइनस बी का होल स्क्वायर है, सही है क्या, दोनों तरफ रूट ले लेते, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा, वो आ गए मेरे पास रूट थ्री आर सी बाय फोर इंटू जेड माइनस बी। तो अगर बोहर मॉडल को सही मान लिया जाए, बोहर मॉडल को लगा दिया जाए यहां पर भी, तो बोहर मॉडल के हिसाब से के और एल एनर्जी डिफरेंस जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए था, इसमें जेड को बस जेड इफेक्टिव ले लिया अपन ने, और जेड इफेक्टिव के साथ ये इक्वेशन आ गई रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा। तो बोहर मॉडल को सही मानकर अगर मैं रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा को प्लॉट करूं जेड के साथ, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, मैं रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा और जेड का ग्राफ बनाऊं तो मुझे ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, इसको वाई जैसा मान रहा हूं पूरा, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा को वाई जैसा माना और एक्स एक्सिस पे जेड बनाया मैंने, तो ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए जिसका स्लोप होना चाहिए ये, है ना, ये नंबर होना चाहिए स्लोप और उसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होना चाहिए बी, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए जिसका ऐसा कुछ दिखना चाहिए मुझे, यहाँ पर बी पे कट करनी चाहिए ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए जिसका अगर एक्स एक्सिस से एंगल का टेन निकाला जाए तो वो आना चाहिए रूट थ्री आर सी बाय फोर। अब मोजले ने क्या करा, मोजले ने क्या करा था, उन्होंने यही जो टारगेट मेटल थी इसको अलग अलग लिया, अलग अलग एलिमेंट लगाए यहाँ पे, तो अलग अलग एलिमेंट के लिए उन्होंने के अल्फा की फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर उन्होंने के अल्फा की फ्रीक्वेंसी के साथ जब जेड को प्लॉट करा तो उन्हें स्ट्रेट लाइन मिल गई, उन्होंने ट्राई करा किसको किससे प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो ऐसा कोशिश कर करके उन्हें पता चला कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा को जेड के साथ प्लॉट करने से स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो उनके पास जो पॉइंट्स उनके पास है ना जेड के कुछ वैल्यूज के लिए जो डाटा था उस हिसाब से ऐसा उनको ग्राफ पे पॉइंट्स मिलते, तो जो जो पॉइंट्स उनको पता थे उनको बेस्ट फिट करते हुए जब लाइन बनाई उन्होंने तो स्ट्रेट लाइन मिलती। तो मोजले ने भी ये ग्राफ बना लिया था, मोजले ने पहले ग्राफ बनाया था, ये तो बोहर मॉडल तो अपने बाद में लगाया, तो बोहर मॉडल से भी ऐसे ग्राफ प्रेडिक्ट हुआ, बोहर मॉडल भी बोल रहा है ग्राफ ऐसा आना चाहिए, मोजले ने प्रैक्टिकली ग्राफ बनाया तो ऐसा आया, तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल हो रहा था चीजें उसको बोहर मॉडल थोड़ा बहुत समझा रहा है, मोजले ने प्रैक्टिकली बनाया ग्राफ ये और बोहर मॉडल से अपन थ्योरेटिकली यही वाली इक्वेशन लेके आ गए, हेंस बोहर मॉडल कुछ हद तक तो सही है, ये पॉइंट तो सही है कि एनर्जी लेवल्स में एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम्स के अंदर, उनमें ट्रांजिशन से फोटोन बनते हैं, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्लियर, हमने ये पूरा बोहर मॉडल से करा और ये प्रैक्टिकली मोजले ने बनाया था ग्राफ, मोजले लॉ बस यही होता है, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर इस कॉन्स्टेंट को मैं बी जैसे ए लिख दूं तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोजले लॉ, ये जो इक्वेशन है हमारे पास रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा इज ए टाइम्स जेड माइनस बी, इसको ए बोल दिया, वेयर ए इज रूट थ्री आर सी बाय फोर, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोजले लॉ। नाउ मोजले ने ये इक्वेशन प्रैक्टिकली निकाली थी एंड बोहर की थ्योरी से भी वैसे ही आ गया, बोहर मॉडल को थोड़ा सा इससे और स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट करा गया, चलिए समझ में आया क्या आपको ये व्हाट इज मोजले लॉ, वेरी गुड, ठीक है चलो, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इस पर क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं देखते हैं अपन, नोट करिए, फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आया मुझे, फिर से बोलिए,
उसकी आवाज नहीं आ रही नेटवर्क की बहुत इश्यूज है शायद आपके यहाँ है ना। बहुत माइक को पास में रख लाके बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। लिख के भेज दीजिए ना, टाइप करके भेज दीजिए, ठीक है वो बेटर रहेगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो सोच लीजिए, अच्छे से पूछ लीजिए मेरे से कुछ दिक्कत आ रही है तो। अच्छा एप्लीकेशन क्या है इसका? इसका एप्लीकेशन बेटा, एक तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं इसका एप्लीकेशन, तो वहां आपने सीखा ही है पूरी पीरियोडिक टेबल, जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है मोसेलेज लॉ का, कि पीरियोडिक टेबल ही इससे बनी है ना। मैंने ये नाम नहीं लिया पीरियोडिक टेबल वाला, क्योंकि मेरे को लगा कि आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं थी बताने की। तो एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो पीरियोडिक टेबल का बेटा इसका है ना, उससे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, मतलब तुम्हारी पूरी पीरियोडिक टेबल इसी पे बेस्ड है, ठीक है। विशाल क्लियर है आपको? यस ओके वेरी गुड। चलो तो अपना एक्सरे के अंदर अपने जो भी चीज अपन को बेसिक बेसिक सब समझना थी सब कंप्लीट कर ली है, तो अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं मोजलेज लॉ वगैरह पे बेस्ड है ना। देखो क्वेश्चंस जब आएंगे ना मोजलेज लॉ पे बेस्ड, तो उसमें कई बार तो हमको ए की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो रेशियो ले लेते हैं चीजों का, तो ए तो कट जाता है, लेकिन बी की जरूरत पड़ती है। तो के अल्फा के लिए बी की वैल्यू आती है 1, नियरली 1 होती है, जिसकी किताबों में अपन 1 ही ले लेते हैं, कई जगह पे 1 ही लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा बी इक्वल टू 1 फॉर के अल्फा। है ना, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा है वेवलेंथ ऑफ के अल्फा के लिए अपन मोजले लॉ लिखेंगे, तो बी की वैल्यू 1 आती है, कई जगह बी की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो बी 1 ले लेना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते लिखो चारों में। फॉर अ मेटल ऑफ एटॉमिक नंबर 51, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा फॉर अ मेटल ऑफ एटॉमिक नंबर 51, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा इज लेमडा, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा इज लेमडा। What will be wavelength of K alpha for metal of atomic number 41? What will be wavelength of K alpha for metal of atomic number 41? Correct. बोलिए। चलो आंसर आ रहा है मेरे पास, एक तो संजना का आंसर आ गया है, मैं भी सॉल्व करता हूं। वेवलेंथ ऑफ के अल्फा दी गई है आपको, वो लैम्डा दी गई है किसके लिए, 51 एटॉमिक नंबर के लिए, मतलब Z51। फिर पूछा है वेवलेंथ ऑफ के अल्फा किसके लिए, Z=41 के लिए। तो मोजरेल लॉ लगा लो कि अल्फा की वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लग जाएगा है ना, तो वो इक्वेशन थी हमारे पास, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं मैं C अपॉन लेमडा। पहले Z क्या लेना है हमको, 51, और मैंने बताया कि B1 ले सकते हो आप के अल्फा के लिए,
सेकंड केस में मुझे लेमडा निकालना है, लेमडा निकालना है मुझे, तो लेमडा उसको डैश बोल दिया मैंने सेकंड केस का, इसका लेमडा डैश बोल दिया जो मैं निकालने वाला हूँ, लेमडा डैश, ठीक है, उसको लिख देंगे a into 41 minus 1, डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, डिवाइड करोगे तो लेमडा डैश अपॉन लेमडा वो आ जाएगा 50 by 40, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो इधर आ जाएगा हमारे पास 25 by 16, तो लेमडा डैश बहुत ही आसानी से आ गया 25 लेमडा बाय 16, आंसर आया, दिस शुड बी अवर आंसर, दिव्यांशी समझ में आ रहा है आंसर, हाँ आपको भी सही लगता है, हाँ हाँ वेरी गुड, चलिए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एंड एल अल्फा, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एंड एल अल्फा फॉर अ मेटल इज, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एंड एल अल्फा फॉर अ मेटल इज लेमडा एंड थ्री लेमडा, लेमडा एंड थ्री लेमडा, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एंड एल अल्फा फॉर अ मेटल इज लेमडा एंड थ्री लेमडा, व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ के बीटा फॉर दिस मेटल, व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ के बीटा फॉर दिस मेटल, करिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हिमांशु का आंसर आ गया मेरे पास, चलो काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, याद करो मैंने वेवलेंथ का रिलेशन डिराइव कराया था आपको, वन अपॉन लेमडा ऑफ के बीटा, याद करो ये होता है वन अपॉन लेमडा ऑफ के अल्फा प्लस वन अपॉन लेमडा ऑफ के बीटा एल अल्फा, ये इक्वेशन डिराइव कराई थी आपको, बस लगा लो हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, के बीटा के वेवलेंथ चाहिए आपको तो इन दोनों के वेवलेंथ का इन्वर्स करके ऐड कर दो, वन अपॉन लेमडा ऑफ के बीटा ये हो जाएगा वन अपॉन लेमडा प्लस वन अपॉन थ्री लेमडा, यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो जाएगा 4/3 लेमडा, इन्वर्स कर दो तो लेमडा ऑफ के बीटा जो रहा है 3λ/4, आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन आया 3λ/4, ढंग से करो, देखो मेरे को मुझको कुछ बच्चों के आंसर गलत भी दिख रहे, दिव्यांशी समझ में आया 3λ/4 होना चाहिए इसका आंसर, 4λ/3 गलत है, चलो तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर एक्सरे का अच्छे से समझ लो ना चीजें तो बहुत आसान है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन कूलिश ट्यूब, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन कूलिश ट्यूब is 15,000 volts. 15,000 volts. 15,000 volts. If wavelength of K alpha for this wavelength of K alpha for target metal, wavelength of K alpha for target metal is 0.5 angstrom, wavelength of K alpha for target metal is 0.5 angstrom,
स्टेट स्टेट वेदर वी विल ऑब्जर्व स्टेट वेदर वी विल ऑब्जर्व के सीरीज फोटोन के सीरीज फोटोन इन के सीरीज फोटोन इन इमिटेड एक्सरेस स्टेट वेदर वी विल ऑब्जर्व के सीरीज फोटोन इन इमिटेड एक्सरे और नॉट स्टेट वेदर वी विल ऑब्जर्व के सीरीज फोटोन इन इमिटेड एक्सरे और नॉट के सीरीज फोटोन दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे इमिटेड फोटॉन्स में के सीरीज के फोटोन होंगे या नहीं होंगे ये बताना है आपको करिए सर 15,000 का एक ही वैल्यू थी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पुलिस चुप का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है 15,000 वोल्ट 50,000 वोल्ट ही बोला था ना मैंने यस सर 15,000 एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है चलो क्वेश्चन क्लियर है क्वेश्चन पूछा क्या है समझ में आया संजना का आंसर भी आ गया मेरे पास तो बहुत बढ़िया आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि के सीरीज के फोटॉन दिखेंगे या नहीं दिखेंगे और आपको दिया है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 15,000 वोल्ट से और जो के अल्फा का फोटॉन है उसकी वेवलेंथ दे दी जो टारगेट मेटल है उसमें जो के अल्फा का फोटॉन निकल सकता है उसकी वेवलेंथ दे दी अब पूछ रहा है कि इस कूलिश ट्यूब का जो भी अपरेटस बनाया है इसमें के सीरीज के फोटोन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते तो संजना का तो आंसर भी आ गया मेरे पास आदित्य के भी आ गया नारायण का भी आ गया रजन का भी आंसर आया रजन चलो और कोई आंसर सृजन नारायण आदित्य संजना ठीक है आप में से किसी के पास भी माइक हो तो बताइए आपका आंसर कैसे निकाला आपने बताइए सर डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज के फॉर्म में वो लगा दिया अंडर रूट 150 अपॉन में वोल्टेज वाला हाँ क्यों लगाया सर क्योंकि अपन मतलब वो एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है कि लैम्डा मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए लैम्डा तब फोटोन निकलेगा ये कब बताया मैंने ऐसा कब बताया सर अभी पिछले लेक्चर में लैम्डा मिनिमम से लैम्डा ज्यादा होना चाहिए तो फोटोन मिनिमम से लैम्डा ज्यादा होना चाहिए जो एक्सरे के फोटोन प्रोड्यूस होंगे एक्सरे फोटोन की जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी वो मिनिमम वेवलेंथ या उससे ज्यादा प्रोड्यूस होती है हाँ ये बताया था एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ ठीक है हाँ सर हाँ फिर तो सर फॉर्मूला लगाया तो उससे वन अपॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ क्यों निकाली वो तो एक्सरे फोटॉन की वेवलेंथ के लिए था ना मैंने क्या लिखवाया था कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो भी प्रोड्यूस होगा वो लेस देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो एनर्जी ऑफ फोटॉन को लिखा था एस सी बाय लैम्डा लैम्डा फोटॉन की वेवलेंथ है हाँ ये लेस देन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई भी लिख दिया तो यहां से लैम्डा आ गया था लेस देन इक्वल टू एस सी अपॉन ईवी और इसी को मिनिमम वेवलेंथ बोलते हैं अपन लैम्डा मिनिमम
ये नंबर जो लिखा है ये कोई इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ थोड़ी है, ये क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ थोड़ी लिखी है, सब फोटोन की है। हाँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ तो कहीं पर भी नहीं ना, तो आपने इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ निकाला जो वो थोड़ा सा गड़बड़ है, समझे? ठीक है सर। चलो हाँ चलो, और कोई एक्सप्लेनेशन? सृजन, नारायण, आदित्य, संजना, अभी किसने बात करी थी मुझसे? सृजन ने कर दी शायद, आदित्य, आदित्य सॉरी। चलो नारायण, सृजन या संजना बताओ। यही क्या था? चलो गलत है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में कहा है कि जो लैम्डा ऑफ के अल्फा है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम, के अल्फा के फोटोन की वेवलेंथ 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो के अल्फा के फोटोन की एनर्जी क्या होगी, के अल्फा के फोटोन की एनर्जी क्या होगी बता सकते हो? के अल्फा के फोटोन की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, निकाल सकते हो कि नहीं? एच सी बाय लैम्डा कर देंगे सर। हाँ एच सी बाय लैम्डा कर दोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ के अल्फा वो जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये आप निकाल सकते हो कितनी आएगी। पॉइंट को ऊपर लगा देना तो जीरो आ जाएगा, और ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे टेन का एक जीरो कट कर जाएगा, ऊपर टू से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 8 4 0 ये आने वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 24,840 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है लैम्डा ऑफ के अल्फा के फोटोन की। के अल्फा का फोटोन जब बनेगा तो उसको इतनी एनर्जी लेके आएगा। तुम्हारे जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है उनके पास कितनी एनर्जी थी, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट कराया था? इनटू 1500 वोल्ट। 1500 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया था, तो 15,000 वोल्ट से एक्सेलरेट करके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल सकती है क्या? नहीं सर, डेफिनेटली नहीं मिल सकती। तो ये फोटोन बन ही नहीं सकता, जब के अल्फा नहीं बन सकता तो के सीरीज का कोई फोटोन नहीं बन सकता। यहां से आंसर आ गया, नहीं बन सकते, ठीक है? दूसरा तरीका, लैम्डा मिनिमम निकाल लो। लैम्डा मिनिमम क्या होता है, ये एच सी होता है 12,420 अपॉन ईवी, ये 15,000 वोल्ट आ जाएगा, 15,000 पोटेंशियल से एक्सलेट कराया, तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम क्या आएगा ये निकाल लो। इससे और छोटी वेवलेंथ नहीं आ सकती, देखना 0.5 इससे भी छोटी है, इससे छोटी वेवलेंथ नहीं बन सकती, ये सबसे कम वेवलेंथ है जो आ सकती है, इससे कम वेवलेंथ आ नहीं सकती, तो 0.5 वाली देखना इससे छोटी आएगी, तो 0.5 वाली आ नहीं सकती, मतलब के अल्फा का फोटोन नहीं बन सकता, के अल्फा का नहीं बन सकता तो के सीरीज का कोई फोटोन नहीं बन सकता, क्योंकि के सीरीज में सबसे कम एनर्जी के अल्फा की होती है, वो ही नहीं आ रहा तो बाकी का किस्सा आएगा, समझे? 15,000 बोला था मैंने, 15,000 वोल्ट्स, क्लियर? आया क्या क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन आया समझ में? यस। चलो इसी के जैसा तो ज्यादा आ रही है, बोलो सर, 0.5 से ज्यादा आ रही है, 0.8। तो जो मिनिमम वेवलेंथ बन सकती है इससे छोटी तो बनी नहीं सकती ना, तो ये वेवलेंथ ज्यादा आनी भी तो चाहिए, वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, कि ये जो वेवलेंथ है वो 0.5 से बड़ी आएगी, तो जो एक्सरे की सबसे छोटी वेवलेंथ बन सकती है वो 0.5 से बड़ी है, मतलब 0.5 वाली नहीं बन सकती। अच्छा है ना, तो सही बोल रहे हो आप, ये 0.5 से बड़ी आनी चाहिए थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए अच्छा, इसी तरह का क्वेश्चन एक और आता है कि जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होकर आ रहा है उसकी एनर्जी दे देंगे या वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे देंगे, और है ना के शेल की एनर्जी दे देंगे। अब की बार तो मैंने फोटोन की एनर्जी दी थी, के और एल का एनर्जी डिफरेंस दे दिया बेसिकली, वो सिर्फ के शेल की एनर्जी दे देंगे, बोल देंगे कि के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी है जैसे मान लो 16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ के शेल इलेक्ट्रॉन, ये आपको दे दी, सपोज ये दे दी आपको 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा बता दिया क्वेश्चन,
कि के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास इतनी एनर्जी। अब अगर आपको के शेल में वैकेंसी बनाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से नॉकआउट कराना पड़ेगा, और इसको अपनी जगह से नॉकआउट कराना है तो इतनी एनर्जी तो देना ही पड़ेगी ना इसे। जो उसके पास एनर्जी है वहां शेल के अंदर उतनी एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, तभी तो बाहर निकलेगा। सही है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बस तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसा दे देंगे वो भाई कि के शेल की एनर्जी इतनी है तो बताओ कि जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है इसे नॉकआउट कर सकता है कि नहीं। अगर इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसकी एनर्जी से ज्यादा है तो इसको नॉकआउट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तो वो भी आप बता सकते हो। चलिए तो ये एक्चुअल में अपन ने देखा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या ये सब क्लियर है आपको? ओके वेरी गुड, ठीक है सर। हाँ बोलिए सर, ये लैम्डा मिनिमम वाले से कैसे करा एक बार मेथड टू बता दो ना। लैम्डा मिनिमम वाले से कैसे करा मैंने, लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या होता है ये बताओ आप। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए इतना वेवलेंथ तो चाहिए। अरे गलत बात, ऐसा नहीं होता। जो एक्सरे के फोटोन बनेंगे वो ये वेवलेंथ के होते हैं या इससे ज्यादा के होते हैं? ये साइन उल्टा लगा है, सॉरी। ऐसा होता लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू आता है लैम्डा मिनिमम, मतलब जो भी एक्सरे के फोटोन बनते हैं ना उनकी वेवलेंथ एक मिनिमम से बड़ी ही होती है, ग्राफ इधर उधर बनता है, समझे। लैम्डा मिनिमम या उससे बड़ी वेवलेंथ बनती है, उससे छोटी नहीं बन सकती। सबसे छोटी वेवलेंथ जो बन सकती है वो लैम्डा मिनिमम होती है, और ये जो वेवलेंथ है के अल्फा की ये इससे भी छोटी है। लैम्डा मिनिमम से और छोटी वेवलेंथ का फोटोन नहीं बनता तो ये बन ही नहीं सकता। आया? क्या ये समझ में आया आपको? वेरी गुड, चलो। अच्छा अभी मेरे दिमाग में चीज पे आ गई तो पूछ लेता हूं मैं। हम अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी जो आ रही है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, उसको अगर फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? फ्रीक्वेंसी के साथ, ये आपने इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ को वेवलेंथ के साथ प्लॉट करा था ना, अब इसी को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करना है तो कैसा आना चाहिए ग्राफ बताओ जरा। फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ कैसा आना चाहिए? नारायण समझाओ सकते हो क्या बोल रहे हो आप? देखो एक मिनिमम वेवलेंथ से बड़ी बड़ी वेवलेंथ आती है, वेवलेंथ एक लिमिट के बड़ी होती है तो फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से छोटी होगी। फ्रीक्वेंसी में उल्टा हो जाता है, याद करो वेवलेंथ एक लिमिट से बड़ी मतलब फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से छोटी। आ रहा है क्या समझ में? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन में होते हैं। ये समझ में आया क्या? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन में होते हैं तो फ्रीक्वेंसी की एक बड़ी लिमिट होगी, उससे और बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती, तो बस ये ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ कुछ ये होता है। हमारी एक वेवलेंथ से बड़ी बड़ी वेवलेंथ बनती है, एक फ्रीक्वेंसी से छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी बनती है। बहुत बड़ी वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बहुत कम है, बहुत बड़ी वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बहुत कम है, बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पे भी इंटेंसिटी कम है। बहुत बड़ी वेवलेंथ मतलब बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जितनी बड़ी उतनी छोटी फ्रीक्वेंसी, तो बहुत बड़ी वेवलेंथ पे फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कम, बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पर भी इंटेंसिटी कम। बीच की किसी वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ज्यादा तो बीच की किसी फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है। यहाँ एक लिमिट के आगे आगे ग्राफ बनाना है तो यहाँ लिमिट के पहले पहले ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ हो जाएगा स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी बच्चे, इसमें फिर गलती करके आ जाते हैं, तो ये याद रहेगा। यस सर, वेरी गुड, है ना। तो अपना एक्सरे देखो कंप्लीट हो गया है, अब आप एक्सरे का पूरा रेस कर लीजिए और मॉड्यूल कर लीजिए,
मॉड्यूल में एक्सरे के जो क्वेश्चन है छाट छाट के कर सकते हो। और देखो बचा सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स अपना, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन अलग ही दिखने, अलग ही समझ में आ जाएंगे आपको। उसमें न्यूक्लियस के मासेस के बारे में बात करी होगी, रेडियो एक्टिविटी की बात करी होगी, तो वो क्वेश्चन आप अलग ही दिख जाएंगे। तो उनको छोड़ के बाकी क्वेश्चन कर लो और न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, अभी थोड़ा सा क्लास का 5 मिनट टाइम बचा है मेरा, तो 5 मिनट में देख लेते हैं अपन क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स को अगर अपन देखें तो हम उसको ना 2 या 3 पोर्शन में तोड़ सकते हैं, 3 पोर्शन में तोड़ सकते हैं ऐसे देखो। तो पहला पोर्शन न्यूक्लियस के बेसिक्स के बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फोर्स होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये सारी बातें करेंगे, है ना। उसके बाद सेकेंड पोर्शन आ जाता है, जो फर्स्ट पोर्शन था इसमें एनर्जीज की भी बातें होगी कि न्यूक्लियस जब बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी जिसे बोलते हैं, किसी न्यूक्लियस को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, 2 न्यूक्लियस मिलकर अगर तीसरा न्यूक्लियस बना ले तो एनर्जी रिलीज होगी कि अब्सॉर्ब होगी, क्या चीजें होती है, इन चीजों की बातें करेंगे अपन पहले पोर्शन में, है ना। तो एक लेक्चर करीब इसमें लगता है ये सारी बातों में। दूसरा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को 2 पोर्शन में समझ सकते हैं अपन, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, कौन कौन सी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है तो उनमें क्या निकलता है न्यूक्लियस के अंदर से, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, जो पार्टिकल्स निकलते हैं रेडियो एक्टिविटी की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जब ये पार्टिकल निकलते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, कैसे स्टेबिलिटी गेन हो रही है, ये सारी बातें करेंगे अपन सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी एज अ स्टेटिस्टिकल लॉ, स्टेटिस्टिकल लॉ मतलब जब रेडियो एक्टिविटी हो रही है तो न्यूक्लियस धीरे धीरे टूट रहा है दूसरे न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस का नंबर कम होते जाना चाहिए, कम होते जाएगा तो उसके नंबर की इक्वेशन क्या आएगी, ये जो रिएक्शन है वो किस रेट की है, शायद केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है आपने, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसा कुछ होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है रेडियो एक्टिविटी, तो उससे रिलेटेड चीजें आपकी तीसरे पार्ट में आएंगे, जहां हम हाफ लाइफ की बात करेंगे, डीके कॉन्स्टेंट की बातें करेंगे, वहां समझेंगे कि भाई 2 चीजों को मिला दिया, वहां एज ऑफ रॉक वगैरह निकालेंगे अपन, कार्बन 14 डेटिंग की टेक्निक देखेंगे, तो वो सारी चीजें आपके तीसरे पार्ट में हो जाएगी। तो ऐसे 3 हिस्सों में अपन डिवाइड कर सकते हैं पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स को, समझ में आ रहा है क्या, अपन क्या क्या पढ़ने वाले शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, इसको नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे अपन, पर आप थोड़ा सा रिकैप कर सकते हो, स्कूल में पढ़ाया आपने तो उसको पढ़कर आ सकते हो, आप SCV से पढ़कर आ सकते हो, है ना। तो पहला पोर्शन अपन पढ़ने वाले है न्यूक्लियस के बेसिक्स के बारे में, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, स्टेबिलिटी क्यों है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन फिशन रिएक्शन में क्या होता है। क्लियर हो रहा है कि ओके नारायण का एक क्वेश्चन आया मेरे पास, 3 लेक्चर लगते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को पूरा करीब, 3 या 4 डिपेंड करता है बच्चों पे, 3 या 4। एक क्वेश्चन आया था नारायण का, ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला क्या था ये बता दो, तो ये मैंने बोला था कि जो टारगेट या हमारा जो पुलिस ट्यूब बनाई थी मैंने यहाँ अपनी, वो पुलिस ट्यूब बनाई थी उसमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे दिया और बोल दिया कि जो टारगेट मेटल है उसमें KSL के इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, और पूछ लिया कि भाई K3 का फोटोन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो K3 का फोटोन दिखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर आया है उसके पास इतनी एनर्जी तो होना चाहिए ना कम से कम कि वो KSL के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, तो KSL के इलेक्ट्रॉन को जो नॉकआउट करने के लिए एनर्जी चाहिए कम से कम उतनी एनर्जी से चाहिए, अगर KSL के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है तो वो वाले चीज देख सकते हैं अपन, अगर KSL का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे दी तो अपन कंपेयर कर सकते हैं कि इस पर उसकी एनर्जी है या नहीं। आया चलो, तो आप लोग पढ़कर आइएगा न्यूक्लियस के बेसिक्स के बारे में, जरूर पढ़कर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट करने वाले अपन, आप स्कूल लेवल की किताब से पढ़ लीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन का कर्व और प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या है, मास नंबर क्या होता है ना, न्यूक्लियस का साइज किस तरह का होता है, और मैं आपको आज एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो जरूर देखिएगा, वो वीडियो पूरा एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको, तो आप उसको बार 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 देखते जाइएगा और अपने पूरे जब पढ़ लेंगे उसके बाद उस वीडियो में क्लियरिटी आ जाएगी आपको, तो अभी से भेज रहा हूँ ताकि आप बार 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 देख सको उसको, ठीक है, यूट्यूब की लिंक सेंड करूंगा। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन।